नमस्कार दोस्तों, आप सब कैसे हैं? देखिए, ये मेरी माता श्री माँ गंगा में स्नान करने के बाद सूर्य को जल देती हुई, उनको नमस्कार करती हुई, इसी के साथ आज हमारा दूसरा दिन यानी कि सेकंड ब्लॉग हम अपना स्टार्ट करते हैं। जय माँ गंगे, हर हर गंगे। देखिए, ये वो धर्मशाला है जिसमें हम रुके थे, काफ़ी अच्छी है। हमने 1600 रुपये एक दिन का दिया था, इसमें 3 डबल बेड लगे थे, काफ़ी अच्छी है। और इस धर्मशाला के बारे में मैं सारी जानकारी आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी, आप इनको फ़ोन करके आप सारी जानकारी ले सकते हैं। ये हमारी मम्मी जी नहा के बैठी हैं, देखिए हमारी मम्मी कितनी अच्छी लग रही है। और हमारे यहाँ पे धूप रोक ली है, ठंड लग रही है हमको। मम्मी बताओ कैसा लग रहा है आपको आपका? बहुत अच्छा लग रहा है, गंगा माता के किनारे बैठे हुए बच्चे फोटो बना रहे हैं, बहुत अच्छा लग रहा है। सब सुख शांति रहे, भगवान अच्छा रहे, सबके बच्चे अच्छे रहे, सबका स्वाद बना रहे, गंगा माता सबके ऊपर अपना आशीर्वाद बनाती है। आप मेरे ब्लॉग के लिए कुछ कहना चाहोगे? निशा के ब्लॉग के लिए ये कहना चाहूँगी कि आप उसको पसंद करो, उसको उसके ब्लॉग देखो और उसको लाइक उसको लाइक करो। धन्यवाद। हर हर गंगे, हर हर गंगे, गंगा नंबर बोलिए। हम आ गए हैं हर की पौड़ी पे और हमें यहाँ पे मम्मी की इच्छा थी कि कुछ अपने पितरों के नाम से और कुछ पापा के याद में, मम्मी कुछ लोगों को, गरीबों को कुछ खाना खिलाना चाहती थी। तो उनकी इच्छा को पूरी करते हुए मेरे दोनों भाइयों ने यहाँ पे खाना खिलाने के लिए व्यवस्था है पूरी। आप बस पैसे दीजिए, आपको सारा सामान रेडी मिल जाएगा, आपको ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप भी इस तरीके से खिलाना चाहते हैं तो आप भी इस तरीके आ सकते हैं। क्या क्या है? आलू की सब्जी यही वाली है? आलू है, कढ़ी है, जो भी खा सकते हो दे दी। नहीं, आलू की सब्जी के संग आप कह रहे हैं ना हलवा का है? दे रहे हैं, सब कुछ दे रहे हैं। नहीं, पता लगना चाहिए ना। हाँ, जो बताए सब एकदम। ये भी बीस का ही भले ज्यादा खाते। नहीं नहीं, ये मैं पूछ रहे हैं आपसे, बोलिए तो ये भी लगा देगी। 20 रुपए की प्लेट में आप 4 पूड़ी दे रहे हैं, ये पूड़ी है और आलू की सब्जी ये रखी है और हलवा ला रहे हैं भैया। तो 20 रुपए की प्लेट मिल रही है यहाँ पे। तो मम्मी ने मैं माना था, तो जो भी है हम देखते हैं कितने लोगों को खिलाएंगे। तो आप देखना जाओ भाभी, दे दो। रुक जाओ रुक जाओ, उधर लाइन में लग के, लाइन में लग जाओ, लाइन में लगो, लाइन में लगो, आराम से लो, आराम से। मम्मी दो। अरे बाबा रुक जाओ रुक जाओ, कोई नहीं खिला, कोई नहीं खिला। लो मम्मी ले लो उसको, दो उसको। अरे यार इधर रख दूंगा इसके। Thank you.
देखिए फ्रेंड्स, अभी मैं हर की पौड़ी पे हूँ। माँ गंगा जी का मंदिर दिखाया, यहाँ पे समस्त देवी देवताओं का मंदिर है। और ये हर की पौड़ी है, जो मेन कहते हैं यहाँ पे अमृत की बूंदें पड़ी थी, इसलिए जगह अमर है। और हर की पौड़ी पे पूजा पाठ करना बहुत ही महत्व माना जाता है। जो माँ स्वर्ग से धरती पे उतरी थी लोगों को उतारने के लिए, और इसीलिए ये बहुत बड़ा आस्था का केंद्र है हरिद्वार। और जय माँ गंगे, हर हर गंगे, पतित पावनी, जय माँ गंगे, हर हर गंगे। हमने हर की पौड़ी से पास में ही एक बहुत अच्छा रेस्टोरेंट था, वहाँ से हमने लंच किया। लंच करने के बाद हमने ई रिक्शा कर लिया था, ये हमने बुक कर लिया था। इसने 400 रुपीज़ बोला था हमें, और हमें ये अभी लेके जा रहे हैं एक बहुत सुंदर मंदिर में। मैं आपको आगे की जानकारी आगे दूंगी, तो बने रहिए मेरे ब्लॉग में, स्टे ट्यून। आ गए हम दक्ष मंदिर, और इस मंदिर की कहानी मैं आपको बताऊंगी। पहले हम अंदर चलते हैं, मंदिर में चलते हैं, मंदिर के दर्शन करेंगे, फिर मैं आराम से आपको इसकी कहानी बताऊंगी। ये कनखल में है ये मंदिर, दक्ष मंदिर कहते हैं इसे।
दक्षेश्वर महादेव टेम्पल, जिसे महादेव का ससुराल भी बताया जाता है। राजा दक्ष ने यहीं पर ही यज्ञ का यज्ञ किया था, जहाँ पे सती ने अपना देह त्याग दिया था क्रोध में आके, क्योंकि उनके पति का और उनका अपमान किया था राजा दक्ष ने, और माता ने यहीं पर अपने शरीर को त्याग दिया था। और उसके बाद भोलेनाथ जो थे वो बहुत क्रोधित हो गए थे और माता को उठा के, उनके मृत शरीर को उठा के वो पूरी धरती पे घूम रहे थे, जिससे कि माता के शरीर के छोटे छोटे जो हिस्से थे वो सुदर्शन चक्र से विष्णु भगवान जी ने कर दिए थे। और माता सती के जहाँ जहाँ पे शरीर के अंग गिरे वो शक्तिपीठ बन गया। ये सब इस मंदिर में सब वो दर्शाया गया है। बहुत ही सुंदर मंदिर है। मैं पहली बार यहाँ पर आई हूँ। अगर आप भी हरिद्वार आते हैं तो यहाँ ज़रूर आना, क्योंकि ये एक वो सत्य का प्रमाण है जो हम पुराणों में सुनते हैं। देखिए यहाँ पे एक हनुमान जी का मंदिर था, जहाँ पे रामेश्वर का एक पत्थर लाके रखा गया था, जहाँ पे कहते हैं कि जो पुल बना था राम सेतु का, वो यही इस पत्थर से ही राम सेतु बना था, और इस पे भी राम का नाम लगा। बोलो जय श्री राम। आप देख सकते हैं कि ये मंदिर कितना बड़ा, कितने बड़े एरिया में बना हुआ है। साथ में पीछे ही यहाँ पे माँ गंगा भी यहाँ पर बह रही है, और लोग आराम से वहाँ से लोटे में जल भर के भोलेनाथ जी पे चढ़ा रहे थे, बिल्कुल पास में गंगा माता के मंदिर में। हम नहीं कर पाए क्योंकि हमें नहीं पता था। अब जो लोग यहाँ पे आते रहते हैं तो उनको पता था, और नेक्स्ट टाइम अगर हम आएंगे या जब आप आएंगे तो आप यहाँ पे मंदिर के पास ही यहाँ पे तांबे के लोटे रखे रहते हैं, वहाँ से नदी से गंगा जी का जल भर के और शिवलिंग पे जरूर जल अभिषेक कीजिएगा। और ये देखिए ये बने हुए हैं भोलेनाथ जी, जब माता सती माता को उठा के वो धरती पे भ्रमण कर रहे थे क्रोध से गुस्से में आके, ये वो बनाया गया है। बहुत ही सुंदर और बहुत ही अद्भुत मंदिर है। देखिए ये है कनखल में दक्षेश्वर महादेव जी का मंदिर, जो कनखल में है। हरिद्वार से अगर आप आते हैं तो 4 से 5 किलोमीटर की दूरी पर है ये कनखल मंदिर। अगर आप आते हैं हरिद्वार तो ज़रूर यहाँ पे आइएगा, आपको आस्था से जुड़े भी यहाँ पे बहुत सारी जानकारी मिलेगी। माँ सती का कुंड आप देखिएगा। और मैं आपको अब एक पायलट आश्रम लेके चलती हूँ, जो हमें अभी हमारे ई रिक्शा वाले भैया ने बताया। तो चलिए, इस आश्रम में जाने के लिए आपकी 50 रुपये की एक जने की टिकट है। तो हम 6 जने थे, हम लोगों ने टिकट ले लिया है, और काफ़ी बड़ा आश्रम है। तो चलिए देखते हैं, काफ़ी सुंदर सुंदर बना हुआ है। हमारे सारे सनातन धर्म की एक धरोहर सारी जैसे समेट के आप यहाँ पे रख दी गई है। एक पायलट बाबा थे, उन्होंने ही ये मंदिर बनाया है, उनकी फ़ोटो भी है यहाँ पे। सबसे पहले हमें दर्शन हुए नंदी महाराज जी के, और सोमनाथ मंदिर का ये पूरी एक झांकी जैसी बना रखी थी। बहुत ही अद्भुत और बहुत ही सुंदर। अगर आप हरिद्वार आते हैं तो इस जगह को मिस मत करना।
देखिए बहुत ही सुंदर जगह है। यहाँ पे विष्णु भगवान के सब अवतारों को दिखाया गया है और राम दरबार आपने देखा, सोमनाथ मंदिर आपने देखा, शिव परिवार आपने देखा, विष्णु नारायण जी अपने कमल पर अपने शेषैया पर बैठे हैं। मतलब इतने मंदिर हैं कि मैं बता नहीं सकती आपको और एक ब्लॉग में मैं आपको ये दिखा नहीं सकती। आप आज आपने जितना मैंने आज सेकंड ब्लॉग में ये सारी चीज़ें कवर की है, अभी मैं इसका जो थर्ड ब्लॉग बनाऊंगी इस आश्रम का मैं पूरा ब्लॉग दिखाऊंगी आपको। तो बने रहिए मेरे साथ, आने वाले ब्लॉग का वेट कीजिए। और जो मैंने ये ब्लॉग आपको दिखाया है इसमें आपको सबसे अच्छा क्या लगा ज़रूर बताइएगा मेरे चैनल को। अगर आप मेरा न्यू हैं आप तो आप ज़रूर मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ जो हरिद्वार जाने वाले हैं या जाने का प्लान कर रहे हैं, ताकि वो भी जब ये जाएँ तो इस जगह को मिस ना करें। तो बोले मेरे साथ हर हर महादेव, जय माँ गंगा।